साथियों, अब हम सीखेंगे वैदिक गणित में घनफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। साथियों, वैसे तो हम निकलम आधार विधि द्वारा तीन संख्याओं का गुणा के द्वारा भी हम इसका घनफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें सूत्र का उपयोग करके हमें इसका जो घनफल ज्ञात करना है, क्यूब रूट ज्ञात करना है। अपने पास देखिए ये संख्या होती है, सबसे पहले हम इसका आधार देखते हैं, ये 10 के पास में है तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधार मानते हैं। आधार आपका 10 है, विचलन आपका 10 से कम या ज्यादा जितनी संख्या होती है उसको हम विचलन कहते हैं, आपका विचलन 5 हो गया। इस प्रकार से आपका जो सूत्र जो है, संख्या ये 15 है, 15 का होल क्यूब है आपका, इस भाग लेंगे 15, संख्या सूत्र के हिसाब से संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन आपका 5 है। ठीक है दोस्तों, आपका आगे 3 है इंटू विचलन का स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर ऑब्लिक आपके पास ये विचलन का क्यूब, आपका विचलन 5 है, ये 5 का होल क्यूब हो गया। ठीक है दोस्तों, अपने पास ये हो गया 15 प्लस 5 दूनी 10 हो गया ये, और ये आपके पास 3, और 5 का जो वर्ग होता है आपका वो 25 होता है, 25 लिखेंगे। 5 का घन यानी इसको हम लिखते हैं आपका, देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका मतलब ये है 5 और 25 25 125। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो 15 10 25 हो गया, ये 25 लिख दिया, और ये आपका 25 75 हो गया, और ये 125 हो गया। अब साथियों हमें क्या करना, देखिए एक चीज ध्यान रखनी है कि हर कॉलम के अंदर, यहां आधार हमने लिया 10, 10 में एक जीरो है, तो हर कॉलम में केवल एक संख्या ही रहेगी, बाकी संख्या आगे जुड़ जाएगी। यहां से देखिए 125 में आपका 5 इधर रहेगा, 12 आगे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो अपने पास 12 इसमें जोड़ते हैं, 87 का आपके पास ये 12 यहाँ आ गया, 87 का 7 असली का 8 रह गया, फिर आपके आगे आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 8 आपका, ये 25 में 8 जुड़ेंगे 33 हो गया। इस प्रकार से अपनी संख्या 3375 है, जो आपका 15 का क्या हो गया, घनफल हो गया। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम अगर इसका करना चाहते हैं, ये आपके पास जैसे 91 है, इसका हम आधार मानते हैं, पहले आधार कितना आपके पास 100 लेंगे, 100 के पास में है इसलिए 100 ले लेते हैं, और इसका विचलन जो है अपना -09, 100 से कम है ना, इसलिए हम क्या करते हैं यहां पर -09, इसको हम इस प्रकार से 09 बार, वैदिक गणित में माइनस को हम बार के द्वारा लिखते हैं, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए अपने पास क्या है, यहां पर संख्या सूत्र के हिसाब से लिखेंगे, यानी 91 का घन क्यूब बराबर संख्या आपकी 91 प्लस 2 इंटू विचलन आपका क्या है 9 बार, ऑब्लिक 2 यह आपका 3 है, ये 3 इंटू विचलन 9 बार होल स्क्वायर ऑब्लिक विचलन 9 का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आगे हम लिखते हैं इसको 91 आपका इन दोनों का ये -9 और 2 दोनों गुणा होगा, माइनस के 9 दूनी 18 है। ठीक है दोस्तों, अपने पास ये आपके पास 3 है इस कॉलम में, और 9 का वर्ग जो होता है माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं, अपने पास क्या आता है हमेशा प्लस ही आता है, 9 का वर्ग क्या हो गया इंटू ये 99 81 ऑब्लिक 9 का आपको क्या करना है क्यूब ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है, यानी कि आपका 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, माइनस 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 आप बेहतर 729 कितना आएगा साथियों, ये माइनस के 729 ये माइनस में आ गया। ठीक है ना, अब अपने पास यहां पे ये देखिए आपका 91 माइनस 18
ऑब्लिक ये आपके पास 3 8 3 24 243 ये -729। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, यहां से ये अपने पास क्या है माइनस में संख्या है, तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, एक उधार लेने का मतलब 100 उधार जाएगा, तो यहां अपने पास 729 है, यहां से हम 8 उधार लेंगे तो उधर अपना क्या जाएगा 800 उधार जाएगा, इधर अपना इसमें से ये घटा लेते हैं तो ये 4 में से घटा कराएंगे, ये आप उधार लेंगे 11 में से 8 गए तो 3 हो गया, यहां से उधार दे दिया आपने 8 में से 1 गया तो 7। ऑब्लिक यहां से हम क्या करते हैं 8 उधार देते हैं, यहां तो अपने पास क्या बच गया 243 में से 8 उधर दिया, अपने पास क्या बच गया 235। ठीक है दोस्त, और यहां से 8 उधार देते हैं, 8 का मतलब होता है अपना 800 उधर गया, फिर -729। ठीक है दोस्त, आपको क्या करना 800 में से 729 घटा लेने हैं, आप घटाएंगे तो 1 फिर उधार लेंगे 10 में से आपने उधर उधार दिया 9 में से 2 गया तो आपके पास 7। ठीक है दोस्त, और ये आपके पास 0। इस प्रकार से आपका 73 235 और ये आपका 71 बच गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर आपको हर कॉलम के अंदर, इन कॉलम के अंदर आपके आधार में 2 0 है इसलिए 2 संख्या ही रहनी चाहिए, यहाँ 71 में तो 2 है ही, इसमें 3 है, इस 2 को हम आगे जोड़ देते हैं, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 75 हो जाएगा, इसमें 35 हो जाएगा और इसमें 71 हो जाएगा। इस प्रकार से अपनी संख्या क्या हुई 75 35 और 71, ये अपना आंसर हो गया। साथियों हमने पहले किया था उसमें उपाधार नहीं था, अब इसमें उपाधार लेते हैं, उपाधार वाले सवाल हम किस प्रकार से करते हैं वही देखते हैं। इसमें उपाधार का मतलब अपना देखिए, पहले हम मानते हैं ये ना तो 10 के बराबर है, 10 के पास में है और ना ही 100 के आसपास में है, तो इस प्रकार के सवाल जो होते हैं उसमें हम आधार क्या 10 के गुणा में मानते हैं या 100 के गुणा में मानते हैं। इसके 10 के गुणा में माना 10 × 3 आपका पास तो 32 30 हो गया और 2 आपका विचलन कहलाता है, ये आधार इसका 10 हो गया और यहाँ विचलन जो है आपका 2 हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो उपाधार अंक है, उपाधार अंक 3। ठीक है दोस्त, उपाधार अंक आपका 3 इसलिए लिखते हैं कि 10 को 3 से गुणा करते हैं 30 आ जाते हैं, 2 विचलन रहते हैं इसलिए उपाधान अंक ये हो गया। अब हमें इसका घन फल ज्ञात करना, ये घन लिख दिया, उसके बाद आपका सूत्र जो आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इस सूत्र के द्वारा ही करना है तो सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप निखिलम विधि द्वारा गुणा करके भी उसे कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पे आपका उपाधान अंक कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख दिया आपका, फिर संख्या ये 32 है, फिर प्लस 2 × विचलन, विचलन कितना अपना 2 है, उपाधान अंक आपका 3 है × 3 है, विचलन आपका कितना है 2 है, ये 2 का होल स्क्वायर, फिर आपका विचलन, विचलन आपका 2 है इसका होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, अपने पास आगे सवाल कर लेते हैं इसको, अपने पास ये 3 का स्क्वायर यानी ये 9 हो गया और ये 32 प्लस 2 × 4 है, ऑब्लिक आपका ये 3 × 3 9 हो गया, इंटू 2 का जो वर्ग है आपका 4, 2 का वर्ग 4 घन, यानी 2 का घन है 2 × 2 × 2 ये आपके पास 8 हो गया। ठीक है दोस्त, अब हम इसको लिखते हैं, ये 9 × 32 = 36 9 × 36 8। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं, 9 × 54 5 9 × 27 और 5 = 32 36 और ये 8। ठीक है ना, अब है तो अपना आधार 10 माना है तो एक कॉलम में केवल एक संख्या ही रहनी चाहिए, तो इस कॉलम में एक ही है, एक रहेगी, यहाँ 6 रहेगी, 3 इसके आगे वाले कॉलम में चली जाएगी तो 3 आके जुड़ जाएगी यहाँ तो 7 2 और 3। ठीक है दोस्तों, 3
7, 3, 2, 7, 6, 8, ये आपका घनफल हो गया। इसमें अपना संख्या जो दे रखी है 208, यानी कि इसमें 100 के गुणा में है तो आधा आपका 10 होगा, विचलन आपका 8 हो जाएगा और उपादान अंक आपका 2 होगा। ठीक है दोस्त, अब हम सूत्र के अनुसार लिखते हैं 208 का होल स्क्वायर बराबर उपादान अंक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उपादान अंक अपने पास 2 है, अपने पास संख्या 208 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना अपने पास 8, उपादान अंक आपके पास 2 लिख दिया, इंटू 3 विचलन, विचलन का स्क्वायर करना, वर्ग करना है, ये विचलन का वर्ग 8 है, ऑब्लिक आपके पास विचलन, विचलन आपके पास 8 है, इसका आपको घन करना है, क्यूब निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास देखिए ये 2 का वर्ग आपके पास 4 और ये 208 प्लस 8 दूनी 16 ऑब्लिक ये आपके पास 3 दूनी 6 ऑब्लिक 8 का जो वर्ग होता है, 8 को 8 से गुणा करना है, क्या करना है 8 का वर्ग बराबर 8 गुणा 8 बराबर आपके पास 8 2 8 64, ये आपके पास 64 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास 8 का जो है घन ज्ञात करना है, 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है 8 2 8, इसका जो घन होता है आपका 512, पास 512 आएंगे और ये अपने पास 4 इसको जोड़ते हैं, अपने पास 8 से 14 224 लाइन लगेगी, आड़ी लाइन, इसको गुणा करेंगे आपका 6 से 64 को गुणा करना, 6 चौका 24 हासिल के 2, 6 छक्के 36 2 38 और ये 512। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको वापस गुणा कर लेते हैं, ये जोड़ के लिखा था, अब 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 दुनी 8 1 9 और 4 दुनी 8 ये 384, जैसा है वैसा ही लिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आधार में अपने पास 2 जीरो है, ध्यान से सुनिए साथियों, आधार में अपने पास कितने हैं 2 जीरो है, तो हर एक कॉलम में केवल 2 संख्या ही रहेगी, बाकी संख्या इसमें जुड़ जाएगी, ये संख्या इसमें जुड़ती जाएगी। अगर इधर अपने पास 12 रहते हैं, ये 5 आगे आगे जाके जुड़ता है, ये जुड़ेगा 384 में 5 जुड़ेंगे तो 389 आते हैं, तो ये 9 8 इसमें जाएंगे, आपके पास 3 बच्चे, 3 अपना क्या इसमें जुड़ जाएगा, तो इधर आपके पास 899 रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको संख्या को लिख लेते हैं 9 1 2, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।